प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। ये जो साल भर में एक बार मिलने की खुशी है, इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। हम लोग लंगोटिया यार हैं बचपन के। तो दोस्त आप स्कूल में बनाते हैं, दोस्त प्रोफेशनल और आप उसको कहीं नहीं पा सकते। All are from 92 batch and 92 rock. कि हम लोग 89 में लौट आए हैं। फुल पैंट से हम लोग हाफ पैंट वाले युग में आ गए। कोई विद्यालय था कन्या विद्यालय, उसको ससुराल बोलते हैं। मैं जयंत कुमार 88 बिजनेसमैन। मैं सुरेश कुमार पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर पटना पोस्ट। अमित कुमार 1988 बैच। सर्वप्रथम सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम और अपने अनुजों को मेरा आशीष। मेरा नाम राजेश है और मैं ही पटना प्रभात कौर में डिजिटल स्टेट हेड है। बहुत लंबे समय के बाद और भी कई साथी दौर में हम लोगों को मदद किए थे, सभी का आभार। लेकिन एक चीज और है कि जितना हम लोग एक दूसरे से इंट्रैक्ट होंगे, हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा परिवार इतना मजबूत होगा। तो इस आयोजन का उद्देश्य भी शायद हमें लगता है दीपक जी का यही रहा है कि हम लोग कैसे इंट्रैक्ट हों और कैसे एक दूसरे से मिलते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए ग्रुप बन गए, ये हम लोग फर्स्ट टाइम मिले और ग्रुप बन गया, लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी यूं आंटी बच्चा अभी है जो अभी अपने सारे बचपन की यादों को, बचपन की हरकतों को वो दोबारा से शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम लोगों को भी देखकर लग रहा है कि चलो उनका बचपन हम लोग भी देख रहे हैं कि वो लोग कैसे अपने मतलब अपने दोस्तों अपने के साथ एंजॉय करते थे। हाँ हम लोग को, हाँ हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग के भी इनफैक्ट एक ग्रुप बन गया है। शब्द नहीं है हमारे पास, अगर इस खुशी को शब्द में बयां किया जाता तो कर पाते। ये जो साल भर में एक बार मिलने की खुशी है, इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। स्पीचलेस। और वो भी अपने बचपन के दोस्तों से जो हम लोग साथ पढ़े हैं स्कूल से। हम लोग लंगोटिया यार हैं बचपन के। आप लाइफ के हर स्टेज में हर तरह के दोस्त बनाते हैं, लेकिन जो दोस्त आप स्कूल में बनाते हैं दोस्त प्रोफेशनल और आप उसको कहीं नहीं पा सकते। जरूरत के हिसाब से भी दोस्त बनता है, ये पक्की बात। लेकिन जो बचपन की यादें हैं, जो बचपन का चीज ना, इतना वो कभी नहीं हो सकता। ऐसे किसी को पकड़ सकते हैं ये बताइए? तो बचपन का दोस्त पकड़ सकते हैं? बिल्कुल 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 बेशक। और मिस कर रहे हैं पुरानी चीजों को, पुरानी यादों को। और भी हमारे लेकर टिफिन लेकर भागना है। ट्रूली फाइन 89। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अल्टीमेट लग रहा है कि हम लोग 89 में लौट आए हैं। 89 एकदम बचपन वाली। लोयला सेंटर जा रहा हूं परीक्षा की। कैंसिल भी होगा, कैंसिल भी होगा। लग रहा है कि फुल पैंट से हम लोग हाफ पैंट वाले युग में आ गए। बचपन युग में पुरानी यादें ताजा हो गई, वो सब याद आ गया अभी हम लोग को। सब याद आ गया।
अभी हम लोग याद कर रहे हैं स्कूल से साइकिल निकालना भी याद आ गया। रविंदर रविंदर किरण भी याद आ रहा है अभी सीकर लेके। टेंथ में पूरे ईयर स्कूल में फाइनल घंटी नहीं बजती थी क्योंकि हम लोग हल्ला करते हुए निकल जाते। उस तरीके का माहौल है जो बसंत का माहौल है जो हम लोग स्कूल में किया करते थे जो हम लोग रहते थे। तो हम लोग उस समय हाफ पैंट पहन के और हाफ शर्ट पहन के हम लोग स्कूल जाते थे और मस्ती करते थे। आज 35 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। आज हम लोग 35 साल के बाद आज जब हम लोग फिर से मिल रहे हैं तो वही जुनून वही जोश वही खरोश हम लोग के बीच में और हम सभी साथी बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ अपने जूनियर्स के साथ उनके परिवार के साथ। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है बहुत अच्छा है। अब तो बच्चा लोग शरारत करता था। बच्चा को शरारत करने दिया नहीं जाता उस समय पर बच्चा शरारत ही करता था। उस समय तो अभी का बच्चा दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता। बिल्कुल इनडिसिप्लिन बच्चा होते हुए बहुत डिसिप्लिन थे। दोस्त में जिंदगी ढूंढ रहे हैं अभी भी। क्या बात बहुत बढ़िया बहुत सही कहा दीपक जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि बहुत दिन के बाद हम लोग बिछड़े हुए लोगों को मिलाए हैं और आज हम लोग को मिलने का मौका मिला है इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग बचपन के भी तो अभी नहीं हुए हैं लेकिन बचपन में जरूर पहुंच गए हैं। बिल्कुल पुरानी यादें बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद हम लोग आपस में मिले हैं और खासकर फैमिली के साथ मिले हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मूल रूप से हम लोग प्रतिवर्ष अपने स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों का एक पारिवारिक मिलन समारोह करते हैं जिसमें ये निश्चित हमेशा रहता है कि जो भी 50 साल अपने मैट्रिक का 50 साल पूरा किए उनको सम्मानित करना जिस कड़ी में आज ये कार्यक्रम हुआ और एक गैदरिंग एक साल में सारे परिवार के सारे मित्र दोस्त जहां कहीं भी हैं वो चाहे अनुज हो अग्रज हो सबको ही आ जाते हैं और आने के बाद एक अच्छा माहौल बनता है फिर और कार्यक्रम पा के तरफ से की जाती है। ऐसा है ना कि एसोसिएशन से अमूमन मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग छूटे हैं जैसे कि हम लोग नहीं जोड़ पाए थे तो आज भी वैसे 7-8 आदमी आए जो खुद आके आज इनरोल कराए हैं अपना। ये हमारा सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र स्कूल का एलुमनाई एसोसिएशन है पाटलिपुत्र एलुमनाई एसोसिएशन और यह अपने समय का बिहार का सबसे बेस्ट स्कूल हुआ करता था। मतलब हमारी कंपटीशन नेत्रहाट से होती थी और इसका आज वार्षिक मिलन समारोह हो रहा है जिसमें 1972 बैच से लेकर के 2000 बैच तक के लोग आए हैं और 1972 बैच के पूर्ववर्ती छात्र को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है क्योंकि उनकी ये 50वीं वर्षगांठ है मैट्रिक पास करने की। तो उन लोगों को शाल और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया और वो लोग काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं और साल दर साल इस तरह का आयोजन करने पर उनका फोकस है कि आप करते रहें। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।